हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हम जानते हैं कि लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 एलिमेंट को हम लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट कहते हैं। ये 4F सीरीज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जब इनकी साइज की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक लगातार इनके साइज में कमी होती जाती है और इस कुल कमी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। तो ये कमी, इनके साइज में ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है, वैसे वैसे नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो जा रहा है 4F सबसेल में, तो F उपकोष जो है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफ़ी कम होता है, आवरण प्रभाव काफ़ी कम होता है। इस वजह से वो उस बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और रिजल्टेंट जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से इनके आकार में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा होता है, एस सबसेल का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी ऑर्बिटल्स का, फिर डी का और फिर एफ सबसेल का। तो F सबसेल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होने की वजह से यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक करके 14 इलेक्ट्रॉन F सबसेल में जाते हैं और अंदर एक एक करके 14 प्रोटॉनों की वृद्धि होती जाती है। तो प्रोटॉन के अंदर जाने के कारण जो नाभिकीय आवेश बढ़ा है वो F सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण उस बड़े हुए नाभिकीय आवेश को उतना परिरक्षित नहीं कर पाता। इस वजह से इनके साइज में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। इस कुल कमी को हम लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहला ये आता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड क्लोजली रिसेंबल। इसका मतलब यह है कि लेंथेनाइड्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर होती है, इनमें काफ़ी समानताएं पाई जाती है ड्यू टू इट्स साइज, क्योंकि इनके साइज में लगभग समानता होती है। साथ ही कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स ऐसे हैं जैसे इट्रियम प्लस 3, वो लेंथेनाइड्स के साथ पाया जाता है क्योंकि इनका साइज लेंथेनाइड्स के अकॉर्डिंग होता है। ये सारे के सारे एलिमेंट हार्ड हैं, इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड बेसिक, ये सारे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। सभी लेंथेनाइड्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नेचर में बेसिक है। इसके साथ ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 4D और 5D मेटल्स जो हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। देखिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, कि हम बात करते हैं कि अगर हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो हम जानते हैं कि आकार बढ़ता है। जैसे स्कैंडियम वर्ग की हम बात करें तो स्कैंडियम के नीचे इट्रियम और उसके बाद लेंथेनम का नंबर आता है,
तो साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन यदि हम लेंथेनम के बाद हैफनियम आता है, हैफनियम वाले वर्ग की बात करें तो उसमें ऊपर होगा टाइटेनियम, उसके बाद जिरकोनियम और नीचे आएगा हैफनियम। एक ही वर्ग के सदस्य हैं सारे। लेंथेनम से हैफनियम के बीच 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ चुके हैं। इस वजह से लेंथेनम से हैफनियम पर जाने पर जो साइज़ में वृद्धि होनी चाहिए उसकी बजाय उन 14 एलिमेंट के कारण जो लेंथेनाइड संकुचन हुआ था तो साइज़ डिक्रीज हो गया, कम हो गया। इस वजह से जब हम बात करते हैं कि टाइटेनियम से जर्कोनियम की बात करें तो जर्कोनियम की रेडियस टाइटेनियम से ज़्यादा होती है, लेकिन जर्कोनियम से हैफनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में लेंथेनाइड्स आने के कारण यानी लेंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और हैफनियम की त्रिज्याएं लगभग समान होती है। ठीक इसी प्रकार नायोबियम और टेंटेलम के साइज़ भी सेम है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के साइज़ भी सेम है, और सोन आगे भी, यानी हम ये कह सकते हैं सिंपली कि 4D और 5D मेटल्स का जो साइज़ सेम है उसकी वजह क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जब उनका साइज़ सेम है तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, और इसकी वजह भी क्या होगी फिर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था अपना आज का टॉपिक, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक यू।